हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी की भी वीडियो को हम लोग निफ्टी की तरह मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। फटाफट से रिकैप करते हैं छोटा सा और फिर 15 मिनट चार्ट पे चल के कल के लिए ट्रेड प्लान बनाते हैं कि कल बाजार में क्या संभावनाएं हैं, कल वीकली एक्सपायरी है और हमें किस तरीके से कारोबार करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स 44,550 का लास्ट मंथ का लो था और 46,370 का हाई था। इस महीने उस लो को ब्रेक करने की कोशिश करी गई लेकिन बाजार फिर से एक रेंज में आ गए और इसलिए बाजार एक साइडवेज मूवमेंट दे रहा है और बहुत ही क्रूशल स्टेज पे खड़ा है। आप देख सकते हैं बाय डिप्स मार्केट है लेकिन सपोर्ट के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। लेकिन ये महीना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये नीचे चला जाता तो फ्रेंड्स वो ब्रेकडाउन हो जाता, काफी बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता था बाजारों में। लेकिन बाजार सही जगह से रिकवर हो गया लेकिन अभी तक क्योंकि इनसाइड बार कैंडल है, ऊपर ब्रेकआउट नहीं मिला है, इसलिए थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, मंथली चार्ट का साइडवेज छोटे टाइम फ्रेम पे बड़ा होता है तो ये तो मैं हर बार बोलता ही हूँ। ठीक है, अब देखिए वीकली चार्ट पे आ गए, बाय डिप्स मार्केट है, इधर थोड़ा सा आपको पैटर्न ना क्लियर दिख रहा है। ठीक है कि भाई अगर ये ब्रेकडाउन हुआ अभी तो कहां तक आएगा, फिर हो सकता है यहां से निकल जाए या तो हो सकता है डायरेक्ट यहीं से ऊपर निकल जाए, है ना, या फिर हो सकता है कि यहां से ऊपर जाके नीचे चला जाए। राइट, अब देखिए लास्ट 3 वीक से क्या हो रहा है, एक कंसोलिडेशन चल रहा है। ठीक, और रेंज में बाजार बने हुए हैं और ये लास्ट वीक की कैंडल के अंदर ही अभी इस वीक की कैंडल भी बन रही है, इसलिए बाजार साइडवेज सा बिहेव कर रहा है। ठीक है, बहुत स्कैल्पर्स ही केवल पैसा बना पा रहे हैं, कभी 200-300 नीचे हो जाता है, कभी 200-300 ऊपर हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एक छोटी सी रेंज और बना दी है बाजार ने, सॉरी दिस इज द रेंज जो कि बाजार ने बनाई है 45,120 की, और नीचे ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है 44,500 से लेके 550 के आसपास। और आज की जो एक कैंडल है ये एक हैमर है। ठीक है, अब बाजार इसके ऊपर निकलता है, हैमर एक्टिवेट होती है तो कल फिर एक बुलिश डे हो सकता है, अदरवाइज फिर वो इस कैंडल के अंदर अंदर ट्रेड करेगा तो फिर फ्रेंड्स साइडवेज हो जाएगा। फिर उसके बाद जीरो जीरो में देखेंगे कि कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं मिलती, और अगर नीचे ब्रेक करेगा तो काफी बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है क्योंकि फ्रेंड्स ये ट्रेंड लाइन तो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, अब ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी ब्रेक कर देगा तो फिर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आसपास आएगा, तो ये ट्रेंड लाइन थोड़ा सा काफी नीचे की तरफ है। ठीक है, तो कल नजर बना के रखिएगा बैंक निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी आपको एक अच्छा मूव दे सकता है। ठीक, अब देखिए ये राइजिंग चैनल था, ब्रेकडाउन हुआ, अभी तक ये जो इस वीक के लिए जो हमने डिस्कशन किया था ट्रेड कहीं एक्टिव हुआ नहीं है, तो होपफुली कि बाजार कल ही एक्टिव कर दे और फ्राइडे तक उसके टारगेट भी ला दे, क्योंकि मूव इस तरीके का बन भी सकता है जब टाइम से साइडवेज हो। बैंक निफ्टी ऐसे ही करता है, जब चलता है तो फिर वो पागल घोड़े की तरह चलता है और मतवाले हाथी की तरह आप कह सकते हो कि जो नॉन स्टॉप भागता है। ठीक, अब देखिए रेजिस्टेंस क्या है, 45,050 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद भी। ठीक, और उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो 45,120 तक का है। राइट, अब देखिए अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो धीरे 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 चला जाएगा। राइट, 100-150 पॉइंट तक का मूव मिलेगा आपको, अब उसमें ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा है, हो सकता है वो नीचे दोबारा से आ जाए, तो यहां पर कॉन्फिडेंस तो हमें होगा नहीं। हमें कॉन्फिडेंस कब होगा फ्रेंड, जब वो 45,120 के ऊपर टिकेगा, इसके ऊपर टिके या फिर 150 पे निकल जाए, तब 45,240 और 45,430 के टारगेट बनेंगे। लेकिन अब कल समस्या यह है कि उसके लिए 45,000 के जो कॉल सेलर्स हैं उनको पीछे धकेलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है, अब ये प्राइस जोन बन गया है, ये प्रेशर जोन बन गया है। अब देखिए बाजार के स्मार्टनेस देखिए, बाजार ने जानबूझ के 45,000 को रेजिस्टेंस बना दिया। अब जो कल यहां पर शॉर्ट करेगा ना उसे डरने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि जैसे ही शॉर्ट कवरिंग आएगी ना वो बहुत बड़ा मूव आएगी, इसलिए मैंने ये दो ऊपर के टारगेट रखे हैं, हो सकता है आपको 120 का वेट ही ना करना पड़े। ठीक है, फिर भी मैं 120 इसलिए केवल बोल के चल रहा हूँ कि हो सकता है एक फेकी मूव और वापिस से नीचे आ जाए। ठीक, 45 तो हम लोग सेफर साइड ट्रेड लेंगे, लेकिन जो मुझे अंदेशा लग रहा है वो ये लग रहा है कि ऊपर जाने की तैयारी है, बैंक निफ्टी आज निकल गया, बैंक निफ्टी को ऊपर जाके खींचा जा सकता है। ठीक, ये तो एक हो गया कि भाई अगर पहले गैप अप खुल के या फिर फ्लैट ऊपर खुल के जाएगा तो हमें कॉल में बैठना है, वो भी नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी की, करंट वीकली एक्सपायरी नहीं बाय करनी है। ठीक है, करंट वीकली ऑप्शंस में आप केवल ऑप्शन सेलर्स काम कर सकते हैं क्योंकि एक्सपायरी डे है, या फिर हीरो जीरो मिले तो आप कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स
बाजार नीचे भी आ सकता है, नीचे आए तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करे या 120 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करे और नीचे आ जाए तो आप शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट कब कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, अब हम उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए सपोर्ट क्या बनता है, सपोर्ट तो नीचे बनता है हमारा सीधा सीधा सा 45,585 से लेके 45,530 तक, ठीक, ये सपोर्ट हो गया। देखिए ये एक हायर बॉटम बनाया और ये 530 के आसपास ये बनाया एक और हायर बॉटम, ठीक है, इस पूरे पैटर्न का, राइट। अब ये दो सपोर्ट जोन हो गए हमारे लिए, ठीक है। अब बाजार इसके आसपास जाता है, कहीं पर भी कंसोलिडेट करता है, बेस बना के ऊपर निकलता है, तो हम तुरंत कॉल में बैठ जाएंगे, हमारा टारगेट 45,050 का होगा, पहला तो ये, ठीक। अब बाजार यहाँ जाता है, नहीं बना पाता सपोर्ट और 44,520 को ब्रेक कर देता है, तो फिर हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि 450 ब्रेक करते हैं, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है फ्रेंड्स, 44,500 में पुट सेलर बैठा होगा, वो आसानी से गिरने नहीं देगा, तो 44,450 के नीचे जाएगा तब वीक हो जाएगा, 44,300 और 210, 150 और 44,050 के सारे लेवल कल ही आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन वो कब, जब बाजार वीक हो जाए और पुट सेलर भाग जाए, देन ठीक है, तो 44,500 के नीचे टिकना जरूरी है। अब वो गैप डाउन दे या फ्लैट खुल के नीचे आए, कैसे भी आए, ठीक, शॉर्ट हम इसी लेवल के नीचे कर सकते हैं, जब 45,500 के नीचे टिक जाए या 44,500 के नीचे टिक जाए या फिर 44,450 के नीचे ट्रेड करने लगे तभी हम कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, उससे पहले हम नहीं कर सकते, राइट। तो यहां ध्यान रखिएगा, यहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, यहां पर अगर नहीं मिलती है तो फिर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बताई थी कैसे करनी है, ठीक। गैप अप का मैंने आपको बता दिया, फ्लैट खुल के ऊपर जाना बता दिया, फ्लैट खुल के नीचे आना या गैप डाउन कैसे भी नीचे आता है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 530 से 585 जहां पर बाजार ने बेस बनाने की कोशिश करी, और मैंने बताया ही है कि कल हो सकता है कि कॉल सेलर्स को ट्रैप किया जाए, तो ध्यान रखिएगा, बायसनेस बिल्कुल मत रखिएगा कि मैंने बोल दिया जी कॉल सेलर ट्रैप होंगे तो कॉल सेलर ट्रैप होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक। बाजार अगर नीचे आके नीचे ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली हम लोग नीचे के लिए भी ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी, एनालिसिस अच्छी लगी हो ना फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जिससे कि मेरे को पता लगे आपको वीडियो पसंद आ रही है और मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।